हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मराठी पोयम नंबर 5, डराओ डराओ। ओके, व्हाट इज़ डराओ डराओ? डराओ डराओ क्या है? डराओ डराओ एक आवाज़ है, मतलब कि एक एनिमल की वॉइस है। ओके, डराओ डराओ मराठी में मेंढक जो आवाज़ निकालते हैं उसे मराठी में डराओ डराओ बोलते हैं और हिंदी में टर टर। ओके, डराओ 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 का ओढ़ता उगत सराव, पत्ता तुमसा नौता काल कुटुनी आला सांगा नाव। अब इसमें क्या बोला है? अब ये डराओ डराओ एक लड़की बोल रही है, डराओ डराओ तुम कहाँ से आए हो। उसको उसका नाम नहीं मालूम है इसलिए वो बोल रही है डराओ डराओ तुम कहाँ से आए हो, इतना सुबह सुबह डराओ डराओ क्यों बोल रहे हो, है ना। इसमें ऐसा बोला है, पत्ता तुमसा नौता काल कुटुनी आला सांगा नाओ। अब इसमें वो लड़की बोल रही है कि तुम कल तो नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए इतनी बारिश में, कल तक तो तुम्हारा पता ही नहीं था, आज तुम कहाँ से आ गए अपना, और कहाँ से आए तुम अपना नाम बताओ। इसमें ऐसे बोला है, ठीक है। धोधो पाउस पड़ला फार तुडुम भरला पाहा तलाव, सुरू झाली आमुची नाव आणिक तुमची डराव डराव। ओके, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि अभी बहुत तेज़ तेज़ से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। धो धो मतलब कि बहुत तेज़ से बारिश हो रही है और तालाब भी एकदम भर चुका है, ठीक है। तालाब भी एकदम भर चुका है और हम लोग अपना इसमें तालाब में अपनी नाव चलाने के लिए तैयार है और तुम इधर डराव डराव कर रहे हो, ऐसा इसने ये लड़की मेंढक से बोलती है, ठीक है, बेडुक से बोलती है। ओके, मेंढक से। अब देखो इसमें बोला है कि नाव मतलब क्या होता है? बोट होती है, ठीक है। नाव मतलब क्या होता है? बोट होती है। अभी आगे क्या है? बटबटी डोळ्यांचे ध्यान विचित्र तुमचे दिसते राव, सांगा तुमच्या मनात काय ही ग्या छत्री ही ग्या नाव। अब इसमें क्या बोला है? अभी इसमें क्या बोला है? तुम्हारे जो दौड़े हैं मतलब दौड़ियांचे ध्यान मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे आँखें हैं इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी आँखें, और तुम दिखते भी एकदम अजीब हो, एकदम अलग हो, दिखते एकदम अलग हो। अच्छा बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ही गया छतरी ही गया नाव। अब इसमें बोला है कि लड़की बोल रही है कि ये लो छतरी और ये लो नाव, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। जा गाठा जा आपुला गाओ आनी थामवा डराओ डराओ। अब इसमें बोला है कि जाओ जाओ तुम अपने गाओ जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ जाओ और अपना डराओ डराओ बोलना थोड़ा कम करो, ठीक है, इसमें ये बोला है। ओके, और ये पोएम किसने लिखा है? गह पाटिल ने। ओके, तो हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई है। आप लोग ये मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न होगा। तो आप लोग ये 2 टाइम्स लिखेंगे मीनिंग और ये पोएम भी एक बार लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।